आज हम बात कर रहे हैं सूर्य का ये राशि परिवर्तन जो होने वाला है। भगवान सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जा रहे हैं, तो इसका क्या असर होगा। सूर्य एक राशि में लगभग 30 दिन रहते हैं, तो 30 दिन तक मेष राशि में रहेंगे। पंडित जी ने अभी बताया था कि मेष राशि में शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी, साथ ही बृहस्पति वहाँ बैठे हुए हैं। तो पंडित जी, आगे आने वाला समय मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, वैसे तो सूर्य का प्रभाव प्रवीण जी एक महीने रहता है, लेकिन जब सूर्य मेष, कर्क, तुला या मकर में जाते हैं तो उनका प्रभाव अगले 3 महीने तक ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये जानते हैं कि मेष राशि से लेकर के और कन्या राशि तक के लोगों के ऊपर अगले 1 से 3 महीने तक सूर्य देव का कैसा प्रभाव पड़ेगा। अगर मेष राशि की बात करें तो आप अपने सरदर्द का और अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। सरदर्द की समस्या और स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान कर सकती है। वृषभ राशि की बात करें तो आप अपने धन के खर्चों पर और अपने तनाव पर ध्यान दीजिएगा। इस समय धन के खर्चे और तनाव आपको परेशान कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए राशि परिवर्तन अच्छा है, इसलिए मिथुन वालों को काफी सफलता और लाभ प्राप्त करने के योग बन जाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए भी अच्छा समय होगा, करियर के मामले में, धन के मामले में और पद प्रतिष्ठा के मामले में कर्क वालों को भी लाभ होगा। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लोग अब अगले 1 से 3 महीने में चोट चपेट का और करियर की समस्याओं का ध्यान रखेंगे। दुर्घटनाएं हो सकती हैं, करियर में दिक्कतें आ सकती हैं। कन्या राशि पर अगर इसके प्रभाव की बात करें तो आप दुर्घटनाओं से और पारिवारिक समस्याओं से सावधान रहिएगा, क्योंकि इस समय आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। परिवार में बेवजह के वाद विवाद, बेवजह के झगड़े झंझट हो सकते हैं। आज हम पंडित जी से चर्चा कर रहे हैं कि भगवान सूर्य ये जो राशि बदलने वाले हैं, मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जा रहे हैं, तो इसका हम सब के जीवन पर क्या असर होगा। पंडित जी ने मेष से लेकर कन्या राशि वालों तक के लिए बता दिया था कि क्या प्रभाव होगा। पंडित जी, तुला राशि से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला समय? देखिए, अगले 1 से 3 महीने तक सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव अलग अलग राशियों पर पड़ेगा। अब हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वालों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि के लोग अपने वैवाहिक जीवन का और अपने व्यापार का बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस समय पार्टनरशिप में, व्यापार में दिक्कतें आ सकती हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है, इसीलिए वृश्चिक राशि वालों को हर कार्य में सफलता मिलेगी। आपके स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं इस समय दूर होंगी। आप मजबूती से आगे बढ़ करके इस समय सफलता पा सकेंगे। धनु राशि, करियर और संतान को लेकर के इस समय चिंताएं हो सकती हैं। अपने करियर के मामले में और संतान के मामले में सावधानी आपको बनाए रखनी है। मकर राशि, सूर्य के स्थान परिवर्तन से आपको स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है और आपका प्रतिकूल निगेटिव स्थान परिवर्तन इस समय हो सकता है, उसके लिए तैयार रहिए। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है, शत्रु और विरोधियों पर आपको विजय मिलेगी और आपका मान सम्मान इस समय बढ़ेगा। पद प्रतिष्ठा की, मान सम्मान की
आपको प्राप्ति होगी। मीन राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से परिवार में दिक्कतें आ सकती हैं, आपके करियर के लिए अच्छा नहीं है। आप सतर्क रहिएगा कि परिवार के मामले में या करियर के मामले में आपको दिक्कतें ना हों। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।